गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीवन के अधिकार में जो हमने आपको संविधान की मूलभूत बात बताई थी, और आप याद रखिए, जैसे कि जब हम जीवन के अधिकार की बात करते हैं तो मामला केवल फंडामेंटल राइट तक ही नहीं रुकता। अगर हम जीवन के अधिकार में केवल फंडामेंटल राइट तक बात समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो जीएस का अप्रोच है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात को बड़े पैमाने पर देखें तो मामला फंडामेंटल राइट का नहीं होता, और इसलिए टॉपिक आपस में जुड़े होते हैं। ये मामला न्यायपालिका बनाम संसद का भी होता है, यानी न्यायपालिका और संसद में पहला क्लैश इसी बात को लेके हुआ था। इसलिए जब हम चीजों को विस्तार से देखते हैं तो फंडामेंटल राइट का चैप्टर केवल क्योंकि फंडामेंटल राइट के मूल अधिकार के बचाने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय का। अब विधि बनाने का अधिकार किसका है? संसद का। इस बात को ऐसे देखिए, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि विधि के द्वारा मूल अधिकार, विधि के द्वारा जीवन का अधिकार छीना जा सकता है, तो विधि के निर्माण का अधिकार तो संसद के पास है। मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। अब आप देखिए, इसी मुद्दे को लेकर न्यायपालिका बनाम संसद के बीच टकराव शुरू हुआ, और ये संविधान निर्माता पहले जानते थे। इसलिए आपने देखा होगा हमारी पूरे हमने कहा संविधान सभा की बेसिक बातें तो हमने आपको बता दी थी, लेकिन संविधान के जितने टॉपिक पढ़ेंगे हम संविधान सभा के डिबेट को बार बार लाते रहेंगे, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता संसद को प्राथमिकता देना चाहते थे, न्यायपालिका को नहीं। और आप वैसे भी आप करके देखिए, ऐसे अगर बेसिक सी बात आपको याद होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में हमारे लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, बड़ी बेसिक सी बात है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? भाई विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, शासन के तीनों अंगों का महत्व है। मैं आपसे पूछूं कि तीनों में सर्वाधिक महत्व किस अंग का है? आप याद रखिएगा, विधायिका। कारण ये है, और इसलिए कई बार आप किसी पॉलिटिशियन के इंटरव्यू को देखेंगे, जैसे हमने कह दिया संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू को देखिए, उसे आप पूछिए कि भारत में क्या सर्वोच्च है, वो कहेगा संसद सर्वोच्च है। आप कहेंगे यार सर ने तो बताया था कि संविधान सर्वोच्च है। और मैं किसी सामान्य सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ, कपिल सिब्बल का एक बार इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा संसद ही सर्वोच्चता है। और ये बात बाद में फिर रविशंकर प्रसाद जब विधि मंत्री हुए तो फिर ये बात उन्होंने दोहराई, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र का मर्म है जनता की इच्छा, जनार्दन की इच्छा। इस बात को याद रखिएगा, लोकतंत्र में निर्वाचित संस्था का महत्व ज्यादा होता है गैर निर्वाचित, निर्वाचित। इस फंडामेंटल बात को हमेशा याद रखेंगे। इसलिए जब तीनों, अब देखिए कितनी बेसिक सी बात है, इतना इसलिए कहा अगर बेसिक बातें आपको स्पष्ट है तो आर्गुमेंट आप हमेशा स्ट्रांग रखेंगे। बेसिक की बातें स्पष्ट नहीं तो बड़ी बड़ी बातें पढ़ लेंगे, फिर बात आर्गुमेंट हो नहीं पाएगी। अगर जनता की इच्छा का सर्वाधिक महत्व है तो जनता की इच्छा कौन रिप्रेजेंट करता है? संसद ही करती है। और आपको याद दिला दें, ये हमारे यहां नहीं, अमेरिका के संविधान निर्माता भी इस बात से अवगत थे। और कभी हम लॉक को पढ़ेंगे वेस्टर्न थिंकर में, लॉक ने कहा सरकार के तीन अंग है, तो लॉक से पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? विधायिका। जब भी आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे इलेक्टेड बॉडी का महत्व हमेशा होगा। और आपको हम याद दिला दें कि न्यायपालिका नॉन इलेक्टेड बॉडी है। आईएएस का महत्व ज्यादा है या मंत्री का? क्यों? जनता की इच्छा, जनार्दन की इच्छा। और ये अमेरिकी संविधान निर्माता भी जानते थे, भारतीय संविधान निर्माताओं ने तो बिल्कुल इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, संसद की प्राथमिकता को हम रखेंगे। इसका मतलब है हमारे यहाँ सामाजिक न्याय अगर संविधान का मूल उद्देश्य, बात को ऐसे देखिए। अब ग्रेनविल ऑस्टिन की बात कोई जो नहीं है, हर जगह अप्लाई करके देखिए। मान लीजिए हमने एक टॉपिक में उनका नाम बता दिया और आप दूसरे क्वेश्चन संसदीय शासन से आ गया, आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही हमें समझना है, एक ही स्टेटमेंट का प्रयोग जैसा चाहे अपनी मर्जी से हम कर दे। अगर ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संसद
यानी सामाजिक न्याय के लिए है। भारतीय सरकार का संविधान का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय है। ये सामाजिक न्याय का दरोमदार किसके कंधे पर रखा गया? संसद कंधे पे। अच्छा, कार्यपालिका बड़ी है विधायिका? कार्यपालिका बड़ी है विधायिका? विधायिका। कार्यपालिका विधायिका का बच्चा है। लेकिन अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारे यहाँ अब सवाल है फिर न्यायपालिका की भूमिका कैसे बताई जाए, और यही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही पूरी पॉलिटी है। इस पॉलिटी के पूरे सेक्शन में इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही पूरा पॉलिटी का डिस्कशन हमेशा इसी के गिर्द चलता रहेगा। इसलिए अब सवाल है कि अब बड़ा विचार आया कि भाई अगर हमने मान लिया कि विधायिका का महत्व ज्यादा है, विधायिका जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब है संविधान के बदलाव की जिम्मेदारी विधायिका, विधि के निर्माण की जिम्मेदारी विधायिका। तो अब सवाल है कि क्या विधायिका अगर जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है तो उस विधायिका पर कोई नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि एक बात हम सेपरेशन ऑफ पावर में पढ़ते हैं कि शक्तियों का संकेंद्रण होगा तो उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी, इसलिए विधायिका पर भी चेक एंड बैलेंस के लिए किसको रख दिया गया? न्यायपालिका। अब बहुत ध्यान से रखने की बात है, संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? क्या बोला आपने? धीरे से बोला। हाँ, जब आप धीरे से बोलते हैं इसका कॉन्फिडेंट नहीं है। चार ऑप्शन में किसको टिक करें? तीन, कोई कहे दो, जब आपने कहा एक, कॉन्फिडेंट है। बात से लग जाती है कि हम चीजों के, अब किसी से कुछ प्रस्ताव रखना है, हाथ हिलने लगा, बोल ही नहीं पा रहे, प्रस्ताव कैसे आगे बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस ही तो है दोस्तों जीवन में। तो जब आप बोलते हैं तो मुझे पता चलता है दबी आवाज से है कि, जैसे आप बोलते हैं एसी बंद करवाना है, टनटनाती आवाज मेरे पास पहुंचती है, वैसे ये भी तो करिए। तो अब देखिए बात देने की, और हमने बताया पॉलिटिक्स मामले में संकल्पनात्मक है, विधायिका कार्य, यही पूरे हमारे सिलेबस में दौड़ेगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और मेंस ओपीटी में यही फर्क आ जाता है, मेंस में हम देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या है, बात खत्म हो गई, बेसिक बात हमने देख लिया, खत्म, पीटी की बात खत्म। मेंस की बात यहां शुरू होती है कि तीनों के बीच विवाद कहां पे है, तीनों की वास्तविक स्थिति क्या है, संघर्ष होगा तो हम किसको प्राथमिकता देंगे, ये विश्लेषण का मुद्दा है। संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति। रमन्ना का पता नहीं आपने इंटरव्यू पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा आपने? क्या रमन्ना ने बोला अभी कल परसों का उनका इंटरव्यू आया था। अब पॉलिटी के स्टूडेंट को इन बातों पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा अगर न्यायपालिका, अगर सरकार ये समझे कि हम किसी पक्ष या विपक्ष की बात सुनेंगे तो हम किसके प्रति उत्तरदायी हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, न्यायपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी है, संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति। और अगर संसद जनता के प्रति उत्तरदायी है, संसद कहे कि भाई हम ये कानून बनाएंगे, तो कानून का परीक्षण संविधान के अनुसार होना चाहिए या जनता की इच्छा के अनुसार? अब इसी मामला फंसता है यहीं पे। इसे रमन्ना ने कहा कोई ये समझे कि जब हम कोई निर्णय देते हैं तो अल्पमत वाले कहते हैं हमारे हिसाब से नहीं है, बहुमत कहता है हमारे हिसाब से नहीं है। तो रमन्ना ने कहा बात आप समझ लीजिए कि हम जिसके प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये मामला जब इंदिरा गांधी आई थी बड़ा बॉल उठाया था उन्होंने, उनका न्यायाधीशों को भी हमारे प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। न्यायपालिका का मतलब उनका जो हम कह रहे हैं हाजी हाजी करो, न्यायपालिका गणना हमारा काम राजपाल यादव जैसा है, हमें अंगुली करना बताया गया है जो भी आप करोगे। यानी न्यायपालिका सरकार को नियंत्रण करती है, उसके अधीन नहीं होती। अब सवाल है जब जब मूल अधिकार का मामला आएगा तो इसलिए विवाद न्यायपालिका बनाम संसद तक जाएगा, और फिर संसद पढ़ेंगे, फिर यह मुद्दा आएगा। तो भाई आपके विचारों का थोड़ा विस्तार तो होना चाहिए। आर्टिकल 21 की बेसिक बात देख लेंगे, फंडामेंटल राइट है, पीटी के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है तो आगे कैसे बढ़ना है उसी की शुरुआत कर लीजिए। पहला लिख लीजिए, पहले मैं 21 बता दिया आपको, फिर विवाद हुआ कैसे। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि आर्टिकल 21 में ये विज द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? भाई इतना ही लिख दिया गया तो लॉ, इतना ही पर्याप्त था। और ये फ्रेज लिया गया है जापानी संविधान से कि विज द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
अब सवाल है कि इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के तमाम संविधानों से कुछ कुछ ये सीख ली, तो सवाल बस यही बात लिख दी गई होती कि विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकार को सीमित किया जाएगा। यानी आर्टिकल 21 में ये बात स्पष्ट हो गई कि जीवन का अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है, यानी उसको छीना जा सकता है, उसको सीमित किया जा सकता है। लॉजिकल सी बात है विधि के अनुसार, यानी जीवन के अधिकार को बिना विधि के पुलिस खत्म नहीं कर सकती। इसी बात को दूसरे रूप में कहें तो जीवन का अधिकार कार्यपालिका के खिलाफ है, विधायिका के खिलाफ नहीं है। एक ही बात कहने का हमारे पास पांच तरीका हो सकता है। अब अगर जीवन का अधिकार विधायिका के खिलाफ मिल गया या कार्यपालिका के खिलाफ मिला, धीरे से आप बोल रहे हैं कार्यपालिका के खिलाफ, इसका मतलब संसद को अधिकार दे दिया गया कि आप विधि बनाइए, और इसीलिए संसद ने तमाम विधियां बनाई। अब जब निवारक नजरबंदी अधिनियम बना तो उसमें गोपालन भी हिरासत में ले गए, तमाम लोग हिरासत में ले गए, और संसद ने कहा कि नहीं, राष्ट्र की एकता अखंडता पर खतरा है, राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा है, लिहाजा ऐसी विधियों का निर्माण हम करेंगे। तो आप कहेंगे कि विधि ही तो बात विधि लिख दिया गया होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द इतना बड़ा फ्रेज लिखने की क्या जरूरत थी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका सीधा सा मतलब है, अब मान लीजिए कि विधि के दो पार्ट होते हैं। ये शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई भी आप लॉ देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी लॉ की एग्जांपल आप ले लीजिए, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, किसी भी अधिनियम को आप लीजिए, संसद ने बना रखा है, तो उस विधि में पहला तो ये उल्लिखित होता है कि ए व्यक्ति ने अगर वो अपराध किया, अगर ए व्यक्ति ने विधि का उल्लंघन किया तो अपराध किया, तो विधि का उल्लंघन किया तो सजा का प्रावधान कितना होगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये विधि का पहला पार्ट होता है। ये विधि है भाई, यही बात आईपीसी में लिखी गई है कि आपने, सॉरी आप क्यों ऐसा करेंगे, ए ने बी ने, तो किसी ने ऐसा अपराध किया तो उसको इतनी सजा मिलेगी। लेकिन खास बात है, सजा मिलेगी विधि का पहला पार्ट है, लेकिन सजा किस तरीके से मिलेगी इसका भी उल्लेख उतना ही महत्वपूर्ण है। आप ऐसे सजा बिल्कुल नहीं दे सकते, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो विधि में प्रोसीजर भी लिखा होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। और प्रोसीजर का मतलब है अगर किसी व्यक्ति दंडित करना है तो पहले क्या करेंगे, उसको वारंट जारी करेंगे, कारण बताएंगे कि क्यों बंद आपके खिलाफ क्यों हिरासत में आपको लिया जाए, चार्ज आप बताएंगे, दूसरा फिर चार्जशीट दाखिल करेंगे, चार्जशीट 90 दिन के भीतर दाखिल होनी चाहिए, 90 दिन के भीतर अगर चार्जशीट आप दाखिल नहीं कर पाए तो व्यक्ति छोड़ना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है। और आप याद रखिए, इतनी बारीक बातें, इसीलिए हमारा लॉ केवल लॉ की बात नहीं करता, प्रोसीजर की बात भी करता है। हर कानून का अलग अलग प्रोसीजर है कि कब चार्जशीट दाखिल करेंगे, उसके बाद कैसे आपकी सुनवाई होगी, ये प्रोसीजर है, क्या गवाह लाए जाएंगे, ये प्रोसीजर है, यानी क्या सबूत होंगे, यहां तक प्रोसीजर है। आपने कभी जॉली एलएलबी में देखा होगा तो एक बीच में कोई दूसरा गवाह आ गया था जिसका नोटिस संज्ञा न्यायपालिका के पास नहीं था, न्यायपालिका ने कहा नहीं नहीं ये गवाह हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका नाम आपने दिया ही नहीं था। इसलिए आप याद रखिएगा, हमारे यहां हर चीज का प्रोसीजर है, यहां तक किसी को डेथ पेनल्टी दे दी गई, इसको हैंग कैसे किया जाए, इसका प्रोसीजर है। जेल मैनुअल में प्रोसीजर लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देनी है, डेथ पेनल्टी देने का मतलब है कि हमारे यहां किसी ने कोई अपराध किया, अपराध में न्यायालय ने उसे पेनल्टी दे दी, डेथ पेनल्टी दे दी, उसके बावजूद उसको हैंग कैसे किया जाए, प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर कैसे है, सुबह 4 बजे उसको उठाया जाएगा, नहाने का अधिकार होगा, भले जिंदगी में और कभी नहीं नहाया हो, मतलब मारने के पहले इतना सारा प्रोसीजर करना, यह भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। यही दिखाता है कि हमारे यहां तालिबानी तरीके से जस्टिस नहीं होता। और इसलिए आप याद रखिए, हमारी न्याय की प्रणाली ऐसी है 99 दोषी छूट जाते हैं, एक निर्दोष व्यक्ति अभी नहीं फंसता। हमारी न्याय प्रणाली इस आधार पर काम करती है, इसलिए न्यायपालिका से छूटने वाला हर व्यक्ति निर्दोष नहीं होता। प्रक्रिया इतनी कठिन है, किसी को दंडित करना बहुत कठिन है,
आप ऐसे दंडित नहीं कर सकते कि न्यायाधीश को मन हुआ उनका सुई चुभो दो, इसको चाकू मार दो, गला काट दो, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। न्यायाधीश को गुस्सा है उसका, ये है हमारे सामने इसको लटकाओ, मैं देखना चाहता हूं कैसे लटकाते हो, वो नहीं कर सकता। और प्रोसीजर के मामले पर इतना उलझाया गया, निर्भया केस आपने देखा होगा, ऐसा दोषियों ने प्रोसीजर के मामले पर उलझाया, क्योंकि हमारे प्रोसीजर है कि अगर आपने क्षमा याचिका राष्ट्रपति को दे दी तब तक आपकी डेथ पेनल्टी को पोस्टपोन किया जाएगा, तब तक रोका जाएगा। तो कैदी चार थे, अभियुक्त चार थे, चारों ने डेथ क्षमा याचिका अलग अलग दाखिल की, यह पहला हिस्टोरिकल मामला था। अब चारों जब क्षमा याचिका अलग अलग दाखिल कर रहे हैं तो एक ही अपराध में जब तक चारों की याचिका का निपटारा नहीं होता तब तक उनको हैंग नहीं किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, 4 बजे उठाया जाएगा, नहलाया जाएगा, बाकायदा 1 महीने पहले घर वालों को इन्फॉर्म कि इससे मिलना चाहता है पूछा जाएगा, अंतिम इच्छा पूछी जाएगी, उसके बाद डॉक्टर आएगा, मजिस्ट्रेट आएगा, उसको लिवा जाएगा वहां पे, तो बाकायदा कपड़ा, काला कपड़ा पहनाया जाएगा, उसके बाद हैंग किया जाएगा, उसके बाद फिर डॉक्टर चेक करेगा और कह देगा नाउ ही इज डेड। इसलिए पुलिस किसी को ऐसे नहीं पकड़ सकती। ये कई बार लॉ पता नहीं हमें होता तो पुलिस ने कहा आओ जिप्सी में बैठ जाओ, कैसे बैठ जाए कई कई। अच्छा हमारे यहाँ तो अभी भी एक दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ पुलिस का स्वभाव भी हुआ अंग्रेजों के जमाने के जेलर जैसा है कि पुलिस को देखे तो आम आदमी डर जाता है। हम तो लोकतंत्र में कह रहे जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, लेकिन यही बात आम आदमी से पूछे, गांव के एक सामान्य सेवक से बात करिए कहे भैया पुलिस से बहुत डर लगता है, वर्दी देख कर डर जाता है, घर में घुस जाएगा उसका पता नहीं कहाँ फंसा दिए, उसको ये नहीं पता देश का मालिक कौन है। अच्छा पुलिस तो सेवक है तो कई बार मिसयूज हो जाता है पावर का, लेकिन प्रोसीजर। इसलिए एक बात आप याद रखिए जीवन में, आपके पास अगर लॉ की डिग्री है आप याद रखिएगा इस बात को, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, कोई पुलिस अधिकारी मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा अधिकारी वो IPS ही क्यों ना हो, आप पास लॉ की डिग्री है, बस वो कह दे आप क्या करते हैं लॉयर हूँ, 2 कदम पीछे पहले हट जाएगा, उसको पता है इसे लॉ पता है, क्योंकि इस देश में पुलिस का शासन है या लॉ का, बहुत बड़े शब्द हैं, पुलिस राज इस देश में नहीं है, लॉ का शासन है। पुलिस के हाथ पांव कौन बांध के रखता है, लॉ, लॉ बांध के रखता है। इसे आपको याद होगा आपने मूवी गंगा जल देखी थी, कभी देखी होगी, और ऐसा ऐसा हकीकत, अच्छा बड़ी पुरानी मूवी के मैंने एग्जांपल बता दिया, लेकिन अगर अच्छा अभी नई मूवी मैं देख के बता दूंगा आपको नहीं तो अब उसमें उसमें इसी बात पे अधिकारी को IPS अधिकारी को लताड़ लगा दी जेल अधिकारी ने, दोबारा ऐसी शक्तिमान वाली हरकत करना मत, क्योंकि जज मान के चलता है व्यक्ति निर्दोष है, जज का ये प्रिजम्पशन होता है पुलिस ने उसको फंसाया है। इसलिए हमारे यहाँ न्याय प्रणाली, इसलिए केवल विधि का उल्लेख किया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पूरे शब्द का प्रयोग किया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर को भी आप फॉलो करना पड़ेगा तभी किसी की जान ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमने किसी की आलोचना, भाई हमारे यहां तो कितना भी कोई घृणित अपराध कर दे ऐसा थोड़े कि पुलिस वाला पकड़ के तुरंत ही उसको वैसे ही दंड दे गया, नहीं, कसाब के लिए बाकायदा प्रोसीजर चला, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लोगों ने कहा भाई ऐसे अपराधी को भी आप खाना खिला रहे हो, ये हमारा कानून कहता है, संविधान कहता है, क्योंकि यहाँ विधि का शासन है, पुलिस का शासन नहीं है। पुलिस राज्य है या विधि का शासन है, विधि का शासन नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। इसे कोई लॉ जानता है तो आप समझ लीजिए कि उसको इतनी आसानी से, इसलिए कोई अब लॉयर है कोई पुलिस वाला कह दे पहले कहेगा नहीं बैठो, आम आदमी को सीधे खोपचे में ले लेता है, चलो बैठो, नहीं पहले आपको बताना चाहिए अपराध क्या है मेरा, क्यों चलो बैठो, आप प्रक्रिया बिना प्रक्रिया को अरेस्ट कर ही नहीं सकता हूं। तो गोपालन के साथ क्या था, विधि बनाई गई, और जब गोपालन जेल में गए थे तो न्यायपालिका ने यही पूछा था कि बताओ किस विधि के अंतर्गत आपको अरेस्ट किया गया, प्रोसीजर फॉलो किया गया, उनका हाँ हाँ सर प्रोसीजर भी फॉलो किया गया, विधि भी है, तो न्यायपालिका ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जब प्रक्रिया भी फॉलो की गई विधि का उल्लंघन भी आपने किया हम कुछ नहीं कर सकते। गोपालन का तर्क अजीब सा था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं,
मैं बार बार कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का अप्रोच बिल्कुल यस या नो मोड में होता है, उसमें एनालिसिस नहीं होता। और कई बच्चों का मेंस पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव की टेंडेंसी खराब हो जाती है, ये बात हमेशा आपको ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान देने की बात है। कई बार बच्चे पीटी फेल करते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं, और किसी सामान्य व्यक्ति से आप पूछेंगे जो इस एग्जाम के बारे में न जानता हो तो वो क्या कहेगा, भाई एग्जाम का स्टेज कितना है, 3। तो आप पूछेगा आप किस स्टेज में फेल हुए, पहले स्टेज में, कहेगा ऐसा है तैयारी वारी मत करो, बेकार की बात है फिर तो, जब तुम पहले स्टेज में फेल हो जा रहे हो। लेकिन जो इस एग्जाम के टेक्निकलिटी को जानता है, आप याद रखिए कई लोगों की पीटी की जो अप्रोच इतनी खराब होती है कि हर बात में एनालिसिस करते हैं, वो नहीं चाहिए पीटी में यस या नो में, मेंस में यस या। मैंने कई बच्चों को देखा कमाल का लिखते हैं वो, आप समझ, अगर ऐसा बच्चा, मैं फिर कह रहा हूं टीचर काम के बेसिक बातें बता दे, अगर आप लिखने की क्षमता आप में है तो आपका कभी लिखने वाला एग्जाम रुकेगा नहीं। आप याद रखिए क्लास आप कर लीजिए ध्यान से, कई बार बच्चों को विश्वास बस इसी बात का नहीं होता, कहते ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ही होता है, विश्वास नहीं होता लोगों को। क्लास कर लीजिए, अप्रोच आप बना लीजिए, लिख लीजिए कल, आपको लिखने की क्षमता का डेवलपमेंट करना बस एक काम है जो आपको मेहनत करना है। वहां पे टीचर आपकी सीमित सहायता कर सकता है, लिखना तो आपको है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम अलग किस्म का है। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे होगा, यह हमने देखे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे पूछा जाता है, मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय, तीनों, 1, 2, कौन कौन मूल अधिकार की रक्षा का दायित्व, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों का है अंतिम दायित्व, उच्चतम न्यायालय का। अभी पीटी का अप्रोच आ गया, सीधा सीधा जवाब, सीधा पीटी में ऐसे पढ़ा जाता है, विश्लेषण नहीं, ये होगा तो ये होगा, मतलब चाचा को मूछ आ जाएगी चाची बन जाएंगी, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, उसमें अप्रोच कितना अलग चलता है, सीधा। अब इस पर कितना सिंपल सवाल था, अगर पीटी का अप्रोच क्या है, अवमानना, विश्लेषण का मामला अलग है, लेकिन न्यायिक अवमानना के आरोप में दंडित करने की शक्ति इसके पास होती है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय, 3, 2, 1। क्यों उच्चतम उच्च न्यायालय दोनों को, केवल उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को, जनपद न्यायालयों को अवमानना के आरोप में दंड देने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों न्यायालय भी, लेकिन इतनी बेसिक सी बात है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम का अप्रोच है। मैं बार बार आपको बताते चलूँ कहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में गलतियां हम करते हैं, विश्लेषण नहीं करना है, और कहाँ मेंस में गलतियां करते हैं। और कई बार तो बच्चे ऐसा फैक्ट पढ़ लेते हैं कि मैं कितना उनको कोशिश करता हूँ बेचारों की दुनिया में ले जाऊं, लेकिन उनका दिमाग कहाँ, यार ये तो केस सर ने बताया नहीं, मैंने तो ऐसा केस भी पढ़ा था। केस पढ़ेंगे तो आप खुद ही केस हो जाएंगे, दुर्भाग्य है ये कि आप पढ़े लिखे हैं तो जब किसी बात को हम पढ़ लेते हैं तो दिमाग ही नहीं घूमता, क्योंकि उस हिसाब से हमारा दिमाग नहीं जगह मैं घूमना चाहती मैं जहां घुमाना चाहता हूँ, मेरा दिमाग अच्छा सर ने तो यार हमने तो पढ़ा था इसमें इतने केस आते हैं इतने केस आते हैं, और सर ने तो केस बताया नहीं है तो केस की जरूरत नहीं है। आपको समझना ऐसे चाहिए कि जो नहीं बताया उसकी जरूरत नहीं है। और कई बार हम अच्छा उस किताब में तो ऐसा लिखा था, अब मैंने अब दिमाग में ही चल रहा है मैंने तो ऐसा पढ़ रखा था यार ये वो बात नहीं बताया, यही गड़बड़ी आती है। अन्यथा इतनी इतनी बेसिक बात मैं आपको बताया, इतनी विचार आप सुन लीजिए अपने आप चीजें चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसे आपने जितना पढ़ा बहुत अच्छी बात है, एक बार अच्छे सुन लीजिए कैसे विचारों कैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, मैं तरीका बता दूं कहां कहां गलतियां हम करते हैं, कहां कहां बेसिक से जरूरत होती है। आगे लिख लीजिए तो मैं आपको बताता जाऊंगा, देखिए मेंस का अप्रोच कहां फर्क करता है, कहां ऑब्जेक्टिव एग्जाम वाला अप्रोच है, क्योंकि ये सेक्शन दोनों में है। आईआर में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि तो लिखने वाला केवल है, लेकिन आपने देखा होगा आईआर जिन लोगों ने पढ़ा होगा कभी, कितने मैपिंग हमने आपको बताई थी उसमें से कितने सवाल आपको आए हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीआईआर बार बार यूज करते हैं। अब झगड़ा हो रहा था अफगानिस्तान से लेके इधर आपका आर्मेनिया अजरबैजान, हमने बार बार मैप यूज किया था, वो सीधे पूछा गया है न्यूनतम रहे, और ये बहुत बड़ी बात थी। यानी पतंजलि शास्त्री से बार बार कहा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नेहरू का दायित्व एक सामाजिक न्याय करेंगे, नेहरू का दायित्व है यानी विधि का निर्माण और प्रक्रिया कौन तय करेगा, संसद। गोपालन का आर्गुमेंट यह था कि नहीं नहीं माय लॉर्ड आप ये बता दीजिए कि प्रक्रिया ठीक नहीं है। गोपालन का दो आर्गुमेंट था कि अनुच्छेद 1921 मिले हुए हैं न्यायपालिका का नहीं, अलग अलग है। उनका दूसरा आर्गुमेंट था कि आप ये कह दीजिए कि जो संसद ने प्रक्रिया बनाई जो विधि बनाई है उसने प्रक्रिया बनाई है वो भी गलत है,
न्यायपालिका ने कहा नहीं, न्यायपालिका ने कहा तो न्यायपालिका ने कहा यह भी ठीक नहीं है, प्रक्रिया विधि बनाने का दारोमदार किसका है, संसद का। अब देखिए बात ध्यान देने की है, संसदीय शासन अध्यक्षीय शासन अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहां में उसका प्रयोग करना पड़ा क्योंकि जहां मूल अधिकारों की बात आएगी न्यायालय और संसद आपस में जुड़ जाएंगे। इतना ही नहीं है, एक इसमें और फैक्ट आप लिखिए जो बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे, वैसे यहां फैक्ट आगे लिख लीजिए, लिख लीजिए। और मैं बार बार ही कहता हूं जैसे कई लोग अब पीटी फेल हो गए हैं तो वो कई बार छुप के क्लास में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं करने की जरूरत है। अगर पीटी फेल भी हो गए छुप के क्यों बैठे हो यार, मैं बार बार कहता हूं फेल होना गड़बड़ नहीं है, फेल से सीख ले लीजिए, अगली बार आप पास हो जाएंगे। और ये बार बार मैं जब कई बार बच्चे से मिलते हैं सर कैसे आए कुछ हो नहीं रहा है, मैंने कहा तभी तो आओ जब नहीं हो रहा है। अरे टीचर के पास पेरेंट्स के पास तभी आपको आना चाहिए जब आप संकट में हैं, अच्छे हो जाएंगे तो आपको मेरे लिए समय होगा क्या, मेरे लिए समय थोड़े होगा। मैं कहीं घूमने गया था तो अब कोई मेरा स्टूडेंट था तो मैंने बात में कहा मैं आ रहा हूँ भाई, किसी को कोई गेस्ट आ गया मेरे तो मैं उसे छुट्टी में आ रहा था, तो उसने अपने सिपाही को भेजा कहा सर समय नहीं है मेरे पास। हमने कहा अच्छा बस भाई पुलिस में कहाँ समय किसी के पास होता है, तो आप सोच लीजिए हम उसके शहर में जा रहे हैं उसके पास मिलने का समय नहीं है, क्यों उसको सीएम को रिसीव करना है, डीएम साहब से बात करनी है, एसएसपी से बात करनी, किसको कोऑर्डिनेट करना है कहाँ से, तो हमारे लिए आएगा वो भाई, किसी को भेज दिया उतना बहुत था, हमारा काम बन गया ना। इसलिए इस गलत फहमी बिल्कुल, अभी आप क्या कहते हैं सर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो आपके लिए जान दे दूंगा, नहीं दोगे मैं मुझे पता है। और आपसे अपेक्षा, लेकिन जब क्राइसिस पर हो तो इस सारे मैं पुराने बच्चों को करता हूं, अरे राव कुछ कुछ टीचर के पास आओ कुछ कुछ मिलेगा ही, डिस्परेट। मैं फिर कहता हूं अपने आप में अगर फेल हो गए तो अपने आप में विश्वास रखिए, मेरे में विश्वास रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छा होगा। यही विश्वास ही नहीं हो पाता, विश्वास डिगने लगता है ना, कई बार गड़बड़ी होती है तो हम लगते हैं कि हमारे में गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है, विश्वास बनाए रखिए, पत्थर ही भगवान हो जाता है, विश्वास ही बनाए रखना है दोस्तों। और क्राइसिस में हमेशा छुप के मत बैठिए, जो पीटी फेल हुए हैं जैसे पहले बैठे थे वैसे बैठिए। अब जरा देखिए कैसे चीजें बदली, ये गोपालन कास की केस की बात स्पष्ट है, इसलिए जीवन का अधिकार की संकीर्ण व्याख्या क्या की गई कि अगर जीवन का अधिकार का मतलब क्या माना गया, अगर व्यक्ति के अंग पर हमला नहीं है, शरीर पर हमला नहीं है, तो जीवन के अधिकार पर किसी प्रकार का हमला नहीं है, ये स्वीकार किया गया। जीवन का अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति के शरीर पर हमला नहीं है, उसके अंगों पर कोई हमला नहीं है, तो उसका जीवन का अधिकार बना हुआ है। और यही बात न्यायपालिका ने गोपालन से पूछी कि आपके ऊपर जेल में कोई हमला हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, उनका खाना नहीं मिलता, उनका नहीं ऐसा भी नहीं है, कोई आपके इंजेक्शन वगैरह चुभोता है, उनका ऐसा भी नहीं है। तो न्यायपालिका ने पूछा कि आपके जीवन का अधिकार खतरे में कहाँ है, उनका भाषण देने का मन कर रहा है वो नहीं दिया जा पा रहा है, तो न्यायपालिका ने कहा नहीं नहीं भाषण देने का अधिकार तो आर्टिकल 19 में है, आपके जीवन का अधिकार कहीं खतरे में नहीं है। तो न्यायपालिका, इसका मतलब जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो न्यायालय नेहरू का बड़ा सम्मान करता था, और इसलिए न्यायालय ने कह दिया कि संसद विधि का निर्माण करे, संसद संविधान का संशोधन करे, सेपरेशन ऑफ पावर तो ही है, न्यायपालिका संविधान की रक्षा करेगी, मूल अधिकार की रक्षा करेगी, न्यायपालिका संसद से टकराएगी नहीं। अब इसी बात को एक वर्तमान एग्जाम्पल से देखें कि जो गोपालन केस में कहा गया उस पर कहां मतभेद हो सकता है, कहां विवाद हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर संसद के द्वारा विधि बनाई जा सकती है, प्रक्रिया का निर्माण होगा, और ये प्रक्रिया और विधि का निर्माण का अंतिम दायित्व संसद का है। अब मतभेद विवाद कहाँ पे होगा, हम दूसरे एक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1989 में एक एक्ट बना प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, अगेंस्ट SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट, ए संसद ने विधि का निर्माण किया, और संसद ने विधि का निर्माण करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से किसी अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ कोई प्रताड़ना कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है,
तो अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उसे दंड दिया जा सकता है, उसे दंड दिया जा सकता है 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए दंड दिया जा सकता है। पहला प्रावधान यह बनाया गया। ऐसे ही दहेज निवारक अधिनियम में बनाया गया, एंटी डाउरी एक्ट। दो एक्ट डिस्प्यूट में आए, एक एंटी डाउरी एक्ट था और एक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति प्रताड़ना विरोधी अधिनियम। और इसमें है कि प्रताड़ना कोई करेगा 3 वर्ष की सजा होगी। प्रक्रिया क्या बनाई गई इसमें, प्रोसीजर यह बनाया गया, क्योंकि पार्लियामेंट ही तय करेगी दंड कितना है, पार्लियामेंट ही तय करेगी प्रोसीजर कितना है। प्रोसीजर इसमें यह बनाया गया कि किसी व्यक्ति पर, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ यह आरोप है, उसे तत्काल हिरासत में लिया जाएगा बिना यह पूछे कि उसने ऐसा किया है नहीं किया है। जबकि हमारे यहां सारे संसदीय कानून, न्यायपालिका के नियम ये कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को पूछने का मौका न दिया जाए, किसी व्यक्ति पर यह कह देना कि उसने ऐसा अपराध किया, ये बात तो ठीक नहीं है। दूसरे से भी पूछने की आवश्यकता है कि जे उसके ऊपर लगाए गए आरोप सही है नहीं सही। भाई हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए, तभी तो बात बनेगी। और दूसरे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया ही नहीं गया और केवल एक ही व्यक्ति से बात कर ली गई। इसलिए इस कानून में रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, मात्र कंप्लेन करना पर्याप्त है, अगले व्यक्ति हिरासत में लिया जाएगा। इसका मतलब प्रक्रिया बड़ी कठोर बना दी गई कि जिस व्यक्ति आरोपी से पूछताछ नहीं की जाएगी, न ही आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। और यही बात दहेज निवारण अधिनियम में भी प्रक्रिया बनाई गई, क्योंकि दहेज निवारण अधिनियम का मतलब है अगर पत्नी ने शिकायत कर दी तो पति जाएगा, अगर पत्नी ने कह दिया कि दहेज मांगता है तो मांगता है, इसमें कोई दूसरी कारण नहीं, कोई और कारण है। अब यह मामला पहुंचा न्यायपालिका के पास, तो गोपालन केस को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर न्यायपालिका को क्या कहना चाहिए? प्रक्रिया किसने बनाया? संसद ने। विधि किसने बनाई? क्या न्यायालय को इस प्रक्रिया पर आपत्ति करने का अधिकार है? अच्छा, एक बात याद रखिए, अगर संसद ने कोई प्रक्रिया बना दी, बड़ी ध्यान से सुनने की बात है, और हम ध्यान से क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि एक एक सवाल आते रहते हैं। अब कोई कोई परेशान है, प्रत्यायोजित विधायनी क्या है, पृथक करणिता का आच्छादन का सिद्धांत सब बता देंगे, ढक भी देंगे, अलगा भी देंगे और प्रत्यायोजित भी करवा देंगे। अरे एक बार सुन तो लो जो बता रहे हैं, यही बावरापन है दोस्तों। हम इतनी महत्वपूर्ण बात बताए जा रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं, तो फिर कहो लिखा नहीं जा रहा है, लिखा इसलिए नहीं जा रहा है कि आपने सुना नहीं अच्छे से, फैक्ट ही फैक्ट, आपका ध्यान ही बार पृथक करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, अरे सब बता देंगे, एक बार सुन तो लो। फिर कोई कहेगा एक गोपालन कौन था? अच्छा, कई बार हमें, कई बार मैं आश्चर्य, इतनी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं और उसी में पर्ची खोदा खादी हो रही है। अच्छा, पर्ची वेग से चलती, 4 को डिस्टर्ब करती है, एक ने लिखा, चौथे के ए बढ़ाओ आगे, वो डिस्टर्ब होगा, तीसरा और देखिए, ये बहुत बुद्धिमान, उसने मना कर दिया पर्ची से। डेली अब पता कितना दूर, रोज उठ के आते हैं यहां पे, पर्ची दो। कई एक बार, अच्छा कई बार आप याद रखिए, मैं पढ़ाने का इतना अनुभव होता है, मुझे पता है आप कहां तक सवाल पूछ सकते हैं, ये बात मुझे पता है, तो मैं जवाब दे दूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये बात आपके प्रति, आपकी प्रायोरिटी से नहीं दूंगा मैं, अपने तरीके से हर बात का जवाब दे दूंगा, सुन तो लीजिए एक बार। इसे जब आप बीच बीच में सवाल पूछते रहते हैं, इसका मतलब है कि फिर आप ध्यान हमारी बात पे बिल्कुल नहीं दे रहे, आप अपनी दुनिया मगन है फिर, और गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक बार सुन लीजिए अच्छे से, जितने सवाल है मैं जवाब दे दूंगा। तो अब बताइए, अगर विधि ने ऐसी प्रक्रिया बना दी, यहां पर गोपालन केस में न्यायपालिका ने यही कहा था कि हम प्रक्रिया और विधि पर सवाल नहीं बताएंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं पूछता रहा हूं, यद्यपि इस स्टेज पर बात पूछी नहीं चाहिए, लेकिन ये टेक्निकल बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। तो सवाल है, इसका मतलब क्या संसदीय विधि को न्यायालय कभी रद्द कर ही नहीं सकता क्या? कैसे कर सकता है? अब जरा देखिए, एक बहुत, मैं बहुत ध्यान देने की बात आपको बता रहा हूं, अगले पेज पे बहुत ध्यान सुनने की बात है, 24 कैरेट का मामला है ये, बातों का महत्व भी बहुत ज्यादा होता है, बातों का महत्व बड़ा ज्यादा होता है। कैसे?
ये मेरा स्टूडेंट तो ऐसा है, जानते एक एक स्टूडेंट इंटरव्यू देने गया अपने इस कौन सा वो जो प्री छात्र मेरा बोलता रहता है, एक स्टूडेंट इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू के पहले एक कोई निकला तो उसने पूछा, वो भी हरियाणा का आदमी है, भी हरियाणा का ही है, तो उसने पूछा तेने से क्या पूछा गया, उनका बस ये रट लियो कि गंगा ये दिल्ली कहाँ है मैप में, उसने बता दो दिल्ली कहाँ है, तो बस ध्यान रखा अच्छा ठीक है। इंटरव्यू जैसे गया तो उसे पूछा गंगा कहाँ से निकलती है, कह रहे तेने गंगा में नहाना है क्या, ये पूछ दिल्ली कहाँ है। अब ये ऐसे बावरा है क्या करूं मैं इसका। तो अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये बात याद रखिए, ये टेक्निकल मामला आगे तक इस बात का हमें तो वास्तविक रूप में इसका विस्तार करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन में, लेकिन मैंने कहा हर कॉन्सेप्चुअल बात एक दूसरे जुड़ी होती है, हो सकता है ये बात मैं 2-3 बार बतानी पड़े, लेकिन यहां इसलिए इसका उल्लेख करना है क्योंकि आपने अगर गोलक गोपालन केस में न्यायपालिका ने इस मामले को हरी झंडी दे दी तो इसका मतलब सवाल ये उठाएंगे संसद ने विधि बना दी प्रक्रिया बना दी तो न्यायालय कभी से रद्द नहीं कर सकता क्या, रद्द कर सकता है। संसद के द्वारा निर्मित विधि और उसकी प्रक्रिया को न्यायपालिका कब रद्द कर सकता है, पहला जो आधार है मूल अधिकार का उल्लंघन हो, पहला आधार तो यही बनता है, दूसरा आधार ये बनता है शक्ति पृथक्करण का शक्ति विभाजन का उल्लंघन हो, यानी संघ का कानून राज्य बना दे, राज्य कानून संघ बना दे, दूसरा आधार बनता है शक्ति विभाजन का उल्लंघन हो, तो विधि को असंवैधानिक अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। किसी संसदीय विधि को अवैधानिक घोषित करने के न्यायपालिका के पास जो आधार है मूल अधिकार का उल्लंघन हो पहला, शक्ति विभाजन का उल्लंघन, शक्ति विभाजन का मतलब है संघ एवं राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित कानून, संघ एवं राज्य विधानसभा निर्मित कानून ये शक्ति विभाजन है, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्राधिकार अलग है, संसद का क्षेत्राधिकार अलग है, पश्चिम बंगाल का अलग है, संसद का अलग है, जो इसका उल्लंघन करेगा कि इसका उल्लंघन होगा शक्ति का विभाजन। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा शक्ति का विभाजन शक्ति का पृथक्करण दो अलग अलग शब्द हम क्यों यूज करें, आगे बता देंगे दोनों अलग अलग है आगे आपको बता देंगे, फिलहाल यहां शक्ति विभाजन का उल्लंघन है। इसी बात को अंतिम लाइन लिख लीजिए, दोनों का मतलब होता है कि फिर संविधान का उल्लंघन, क्योंकि हर चीज तो संविधान लिखी गई है, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन, क्योंकि हर बात तो संविधान में हमारा लिखी गई विधि में लिखी गई है। तो इन आधारों पर न्यायालय संसद के द्वारा निर्मित किसी विधि या प्रक्रिया को अवैध कर सकती है, और अगर इन आधारों पर न्यायालय किसी विधि या प्रक्रिया को अवैध करेगी तब माना जाएगा कि विधि और उसकी प्रक्रिया असंवैधानिक है या अवैधानिक है, इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन अब जरा दूसरे पक्ष पे बात करिए, इन आधारों पर कभी भी न्यायपालिका संसद के द्वारा निर्मित किसी विधि को असंवैधानिक या अवैधानिक घोषित कर सकती है, ये बेसिक आधार है जो संसद के पास, जो संसद और न्यायालय के बीच के संबंध को बनाते हैं। लेकिन अब यहीं पर दूसरी बात अगर देख लीजिए जहां पे चौंकाने वाली मामला लगता है, तो क्या मामला यह है कि न्यायालय किसी विधि को अवैधानिक कह दे असंवैधानिक कह दे, ये तो उसका अधिकार है, क्या न्यायालय किसी विधि एवं प्रक्रिया को अनुचित भी कह सकता है, किसी विधि और प्रक्रिया को कह दे नहीं ये फेयर नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये जस्ट नहीं है, अनजस्ट है। बहुत ध्यान से आप देखिए, अनुचित होने में अवैधानिक होने में ये की शब्द है, मैं फिर इस पर ध्यान दे रहा हूं। अच्छा, जो भी मैं की शब्द हूं अगर उसको कहीं कठिनाई हो उसको एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार पूछिए, कभी संकोच मत करिएगा।
जबकि मैं कोई बता रहा हूँ बात स्पष्ट हो जा रही है तो तुरंत पूछ लीजिए। और हमने कहा इसको तो हमें 10 बार रिपीट करना पड़ेगा आगे चल के, लेकिन ये यहाँ रिपीट करना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण ये दो शब्द आते हैं, किसी विधि का अवैधानिक हो जाना, किसी विधि का अनुचित हो जाना। अनुचित का मतलब है अनजस्ट है, अनरीजनेबल है। अब हमने कहा अतार्किक है, अतार्किक है, अनुचित है। अब अनुचित और अतार्किक होना बड़ा ही सब्जेक्टिव है, अवैधानिक होना बड़ा ही ऑब्जेक्टिव है। अवैधानिक का सीधा सा मतलब है कि आप संविधान किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अनुचित होने का मतलब है संविधान किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। अब सवाल है कोई विधि उचित है अनुचित है, अब यह कैसे तय होगा? प्रक्रिया उचित है अनुचित है, प्रक्रिया अवैधानिक है वैधानिक है, बात समझ में आती है? अनुचित है यह बात अजीब सी लगती है। और यह विवाद क्यों आया? क्योंकि अब यहां पर देखिए इस बात को ऐसे जोड़ के देखिए, किसी व्यक्ति को बिना ये पूछे हिरासत में ले जाना कि आपने ऐसा अपराध किया या नहीं किया, ये उचित है अनुचित है? मामला फंस गया। और यही मामला आया था मेनका गांधी केस, वरुण गांधी की माँ, मानेका गांधी केस। उनका टेक्निकल नाम है मानेका गांधी, क्योंकि पंजाब की है, पंजाब में हिंदी वाला एक्सेंट नहीं चलता, हिंदी के लोग उन्हें मेनका गांधी कहते हैं, उनका टेक्निकल नाम है मानेका गांधी, हम मेनका गांधी के रूप में ही जानते हैं, वरुण गांधी की माँ, संजय गांधी की पत्नी और सोनिया गांधी की जेठानी। मानेका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, और क्यों जब्त किया गया उसका एग्जाम्पल आपको बता देंगे। मानेका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसके लिए संसद ने विधि बना रखी थी 1967 पासपोर्ट एक्ट। जरा सोच के देखिए, एग्जाम्पल आपको बता दें। यही नहीं, अब सवाल है संसद ने कोई प्रक्रिया बना दी तो क्या प्रक्रिया अनुचित हो सकती है नहीं हो सकती है? न्यायालय को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? न्यायालय क्या देखना चाहिए? अवैधानिकता देखना चाहिए, उचित या अनुचित देखना चाहिए? एक बात याद रखिएगा, उचित क्या है अनुचित क्या है यह सब्जेक्टिव मामला होगा। आपके लिए जो उचित है अगले के लिए अनुचित है। अब आप याद रखिए, अपनी पसंद से शादी विवाह करना उचित है या पिता के आदेश के हिसाब से करना उचित है? कोई एक जवाब नहीं है, सब्जेक्टिव हो जाएगा। और सीधी सी बात है, अब कौन सी विधि उचित है कौन सी विधि अनुचित है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए? इसका निर्धारण करने का मामला फिर तो न्यायाधीश के पास आएगा, फिर तो न्यायाधीश के पास आएगा। अब अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको बता दें, मानेका गांधी केस भी मत जाइए। मानेका गांधी केस में क्या हुआ था, एक्ट में लिखा था, संसदीय एक्ट में प्रक्रिया ये थी, पासपोर्ट एक्ट का मतलब है कैसे आपका पासपोर्ट बनेगा, कैसे आपका पासपोर्ट छीना जाएगा। जैसे अगर आप जिस अगर भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय होने का पासपोर्ट आपके पास है, जैसे आपने विदेश की नागरिकता ली आपका इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, एक साथ आप दो देशों का पासपोर्ट नहीं रख सकते, ये प्रक्रिया बताई गई। लेकिन प्रक्रिया में किसी का पासपोर्ट सरेंडर कैसे किया जाएगा उसके भी आधार है, उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको समय दिया जाएगा। और पुलिस वाले गए, मानेका गांधी का पासपोर्ट छीन लिया बिना कोई कारण बताए, तो मानेका गांधी ने कहा अरे कारण तो बताओ, पासपोर्ट छीना क्यों, कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। और मानेका गांधी उच्चतम न्यायालय पहुंच गई और उच्चतम न्यायालय के सामने यही मुद्दा आया कि आखिर में कोई विधि संसद बना दे इतना ही पर्याप्त है, या ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि प्रक्रिया ठीक है गलत है। और लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको बता, मैरिटल रेप के मामले में विवाद आपने सुना होगा, संसद ने विधि बनाया कि मैरिटल रेप जैसी चीज नहीं होती, न्यायपालिका करी होती है। किसकी बात मानी जाए? यानी बात याद रखिए, अगर प्रक्रिया उचित है अनुचित है तो फिर प्रक्रिया का अंतिम निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय। अगर प्रक्रिया अनुचित हो गई तो फिर प्रक्रिया उचित है अनुचित है फिर प्रक्रिया का निर्धारण न्यायालय करना शुरू कर देगा। और ये बात अपने आप में, अगर प्रक्रिया का निर्धारण न्यायालय करेगा तो फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया रहेगी या विधि की उचित प्रक्रिया हो जाएगी? ये अमेरिका का सिस्टम है और संविधान सभा में डिबेट भी चला था, इसीलिए हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को प्रिफर किया, विधि की उचित प्रक्रिया को नहीं रखा। यानी प्रक्रिया जो न्यायालय जो संसद ने बना दी उसी बात को मानिए।
आप न्यायालय काम ये केवल देखना है कि क्या वो प्रक्रिया मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करती, क्या वो प्रक्रिया शक्ति विभाजन खिलाफ तो नहीं है, क्या वो प्रक्रिया संविधान खिलाफ नहीं है, यानी प्रक्रिया उचित है अनुचित है या प्रक्रिया अतार्किक है, ये कौन निर्धारण करेगा? और जब प्रक्रिया का निर्धारण, इसका मतलब प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो SC ST एक्ट में न्यायालय ने क्या अप्लाई किया? विधि की सम्यक, सम्यक कह लीजिए, उचित कह लीजिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये न्यायपालिका का बहुत बड़ा चेंज था। आपको हम याद दिला दें, मानेका गांधी केस का इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है कि न्यायालय ने इतना बड़ा चेंज किया, और उसी मानेका गांधी केस से जो मामला शुरू हुआ, अभी अब मैरिटल रेप के मामले में न्यायालय कह रहा है ये उचित नहीं है, SC ST एक्ट में न्यायालय ने कहा उचित नहीं है, डाउरी एक्ट में न्यायालय ने कहा उचित नहीं है, अब तो न्यायालय हर जगह प्रक्रिया पर सवाल उठा दे रहा है। जहां देखो न्यायालय वहीं प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, न्यायालय कह रहा है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। यही विवाद का विषय बना हुआ है। तो आप याद रखिए, स्थापित प्रक्रिया का समर्थन करेंगे या उचित प्रक्रिया का? अच्छा, फिर सवाल मैं ऐसे पूछूं तब मैं समझ में आई बात नहीं। विद द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसद की शक्ति बढ़ेगी या न्यायालय की? धीरे से बोल रहे हैं, विधि की उचित प्रक्रिया में किसकी शक्ति बढ़ेगी? तो विधि किसके हिसाब से बनना चाहिए, जनता की इच्छा के हिसाब से या न्यायाधीशों की इच्छा के हिसाब से? यही विवाद बना हुआ है, और एक मामले में नहीं, अभी ये देखेंगे अधिकरण के एक्ट में चेंज किया गया है, न्यायालय को बड़ी आपत्ति है, न्यायालय का तब नहीं कर सकते। न्यायालय ने बिल्कुल यू टर्न मार लिया, नहीं एथी एक मोड़ आया उसी दिल छोड़ आया, न्यायालय ने बिल्कुल यू टर्न मारा, न्यायालय ने वहां पहुंच गई जहां संविधान निर्माता वहां ले ही नहीं जाना चाहते थे, इसलिए लिखने की बात है। और आप याद रखिए इस बात पर 1950 में गोपालन केस आया, 1978 में मानेका गांधी केस आया, और जितने आर्गुमेंट गोपालन दिए थे वही सारे आर्गुमेंट मानेका गांधी केस में दिए गए, लेकिन समय बदल गया। गोपालन केस 1950, मानेका गांधी केस 1978, 38 साल का डिफरेंस था, या कितने साल का? 28, 28 साल का डिफरेंस था। अच्छा, 28 साल के डिफरेंस में जीवन में सब वही रहता है, चेंज हो जाता है? 28 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, इसलिए न्यायालय हमेशा एक जैसा निर्णय देगा या परिस्थितियों के अनुसार निर्णय देगा? परिस्थितियां बदली, इसका सीधा सा मतलब है कैसे न्यायालय ने अपनी परिस्थितियों को बदला, पहले लिख लीजिए, उसका फिर कोई डाउट हो फिर पूछेगा, हम अलग तरीके से बता देंगे आपको। आगे लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, ये बताइए। अब तो आप देखेंगे विधि की उचित प्रक्रिया, अब SC ST का राइट है, वहां हर जगह लगा दे रहा है न्यायालय, उसकी मर्जी है। अब आप देखो अधिकरण में जीवन का अधिकार की बात तो नहीं है, ट्रिब्यूनल में कह रहा है, सरकार तो केवल इतना कहना चाहती है कि भैया ऐसा है कि ट्रिब्यूनल में जो जिन व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे उनकी उम्र इतनी होगी, न्यायालय कह रहा नहीं उम्र इतनी होगी। अरे भाई, संसद उम्र नहीं तय करेगी, न्यायालय उम्र तय करेगी। संसद कह रही है मैरिटल रेप जैसा विचार पश्चिम विचार है हमारे यहाँ नहीं होता, न्यायालय कह रहा होता है। अब बताइए, अब किसकी बात मानी जाए? अभी न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया, मोटर वाहन अधिनियम का मामला चल रहा था, न्यायालय ने यहां तक कह दिया कि मोटर वाहन से होने वाले अपराधों में सजा 20-25 साल करो, ये 2-3 साल नहीं है, 2 साल बिल्कुल नहीं। अब बताइए किसी विधि में दंड तय करने का अधिकार किसका होना चाहिए? कर कौन रहा है? इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? आप याद रखिए, इसे ही कहते हैं न्यायिक विधायन, शब्दों का हेरफेर है। यानी भाई न्यायपालिका को ये सब काम तो नहीं करना चाहिए यार। अब यही विवाद आगे तक चलता जाता है, हमने कहा ये विवाद एक बार नहीं है, न्यायालय तो फिर मामला उठेगा। लेकिन ये मेंस का अप्रोच होता है कि भाई न्यायालय काम क्या है, किसी विधि की संवैधानिकता की जांच करना, उचित होना अनुचित होना ये संसद के ऊपर आप छोड़िए। और ये बात तो पतंजलि शास्त्री से पूछी गई थी कि आपको ये उचित नहीं है, उनका नहीं, न्यायपालिका ये नहीं देखेगी उचित है अनुचित है,
न्यायपालिका ये देखेगी कि संविधान के प्रावधान के खिलाफ है या नहीं, खिलाफ नहीं है, संसद की शक्ति है, उसको करने दीजिए काम। लेकिन अभी मामला मामला बिगड़ गया, रायता फैल गया।